हेलो दोस्तों क्या हाल है तो यार मेरा नाम है यश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रेडमी के नाइन ए या फिर पेलर रेडमी के नाइन आई डिवाइस के बारे में तो यार आप सभी को पता होगा कि रेडमी के नाइन ए डिवाइस में स्पेशल फीचर का ऑप्शन जो है हटा दिया गया है और उसमें हमारा जो गेम टर्बो 5.0 पॉइंट जीरो फिर गेम टर्बो जो भी नॉर्मल सा हो उसको भी निकाल दिया गया है और अब हमारे डिवाइस में गेम टर्बो नामो इन्सान नाम मिट चुका है कोई गेम टर्बो वगैरह नहीं है तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे गेम टर्बो फाइव को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट रूट विदाउट टी डब्ल्यू ये जो है है। मैथड में, में वर्क करने वाला है। मतलब, Redmi 9, Redmi 9C, Redmi 9 India, जो भी थर्टी नहीं मिला है, उस में ये वर्क करने वाला है तो यार अगर आप मेरे चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी रेडमी नाइन ए रिलेटेड चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चलो यार वीडियो स्टार्ट तो सबसे पहले मैं आपको गेम ट्रबो यूज करके दिखाऊंगा मैंनेबल कर रखा है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दिया था ठीक है तो देख सकते यहाँ पे मैंने रखा गेम फाइव जीरो को मिलता है आपको ये मेरा रेडमी का नाइन डिवाइस है आपको पता ही होगा क्योंकि मैं डिवाइस रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ तो ये है गेम ट्रिबो ठीक है तो आप इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं बताऊंगा और लास्ट में इसके थोड़े बहुत फीचर वगैरह मैं बताने वाला हूँ तो यार मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा दो सिक्योरिटी एप्लीकेशन के आपको दोनों को इंस्टॉल कर लेना है ठीक है और आप मैंने यहाँ पे फाइल मैनेजर में स्टोर कर रखे दोनों को आपको डाउनलोड एंड सकते ये है वो दो आपको दोनों को इंस्टॉल कर लेना है तो और आपको ये डिस्क्रिप्शन में दो फाइल लूँगा इसको डाउनलोड कर लेना ज़्यादा कुछ नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं भी आपका उड़ेगा लेकिन गेम ट्रव्यू आपको देखने को मिलने वाला है ठीक है अब आपको कर रहा है कि आपके जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है इसको ऐप एप में जाना है देख सकते ऐप एप में जाना उसके बाद में आपको सिंपली अनस्टॉल अपडेट कर देना है क्योंकि अगर आप इश्शॉल अपडेट नहीं करोगे तो आपके डेज में मे बी सिक्योरिटी की जो एप्लीकेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा है वो इंस्टॉल ना हो तो आप सबसे पहले ऐप इंफॉर्म जाकर अनइंस्टॉल अपडेट कर देना सारा रिसर्ट से निकाल देना है उसके बाद आपको करना क्या मैं दिखाता हूँ आपको सिंपली आपने जो एप्लीके इंस्टॉल की है आपको सिंपली फाइल मैनेजर बजाना है उसके बाद सबसे पहले सिक्योरिटी ट्वेंटी पॉइंट जीरो थ्री ट्वेंटी फाइव वाला अप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करना है ठीक है तो सबके दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी व्हाट्सअप जगह डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो आपको सबसे पहले ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है ट्वेंटी पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट कुछ है ठीक है वो वाला वर्जन इसको इंस्टॉल करना है तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है अब आपको करना है पीछे जाना है पीछे नहीं सिक्योरिटी एप्लीकेशन को ओपन कर और ना है और आपके जो गेम ट्रब है आपको गेम ट्रब थ्री पॉइंट जीरो मिलेगा स्टार्टिंग में आपको सिंपली इसको सेटअप कर लेना आपको सिंपली प्लस वाला मिलना है जो ऐप अगर आप चाहते हो उन सारे ऐप्स को आप एनेबल वगैरह कर सकते हो जो आप कोई भी गेम वगैरह खेलते हो तो ठीक है आपको स्टार्टिंग में ही जो ऐप आप अगर आपको आप जो चाहिए वही सारे आपको स्टार्टिंग में एनेबल करके लेना है क्योंकि बाद में आप वापस से ऐड वगैरह नहीं कर पाओगे तो अभी मेरे पास फिलहाल तो कोई गेम नहीं है मैं थोड़े बहुत एप्स अप्लाई कर रखे तो मैं सिंपली करूँगा तो अब पे सेटिंग में जाना है आपको कुछ गेम ड्रॉ ऑफ होगा इसको आपको एनेबल कर लेना है अब सिंपली आपको बैक जाना है वापस से फाइल मैनेजर में जाना है और फाइल मैनेजर में जाकर तो वो सेकेंड वाली जो ए के है उसको आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है कुछ इस इंस्टॉल से देख सकते हैं मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ ये सिंपली आपका थोड़ा सा टाइम लगा और इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि इस ए की साइज़ है बहुत ही ज़्यादा है सिक्सटी एम के आसपास है और वो सबसे पहले क्या था वो ज़रा छोटा था तो ये भी हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है अब आपको जाना है अः uh, मैं दिखाता हूं आपको अब वो वापस से देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला बटन था कि बैक चले जाना है उसके बाद में आपको सिंपली गेम ड्रव्वो को ओपन करना है कुछ स्टेप्स से ये आपको कुछ लोड लेने लेगा उसके बाद में आपको जो गेम ड्रव्य है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप से गेम ड्रोवो ओपन होगा लेकिन आप अपने ऐप्स वगैरह को यूज़ नहीं करवागेगा तो सिंपली आपको जाना है वापस से बैक इसको सिंपली देख सकते कुछ भी रिसेंट में ही रहने देना है आप इसको वापस से बैक जाना है और देख सकते कुछ से होगा आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स में तो आपको सेटिंग्स में जाना है उसके बाद में सिंपली जाना है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर और एडिशनल सेटिंग में आपको एक्सेसवेलिबिलिटी

सर्विस यहाँ पे सर्विस करके सिर्म सर्विस पर लगने आ जाएगा यहाँ पे आपको करना है क्या यहाँ पे जैसे ये ऑटो स्टार्ट होगा इसको ये सिंपली आपको ऑफ होगा सिंपली आपको इसको ऑन कर लेना है उसके बाद आपको सिंपली जाना है ऐप परमिशन में और ऐप परमिशन आपको स्टोरेज वाली परमिशन दे देनी है अब सारा काम खत्म आपको सिंपली बैक जाना है आ, कुछ इस टाइप से होगा इस सिंपली इसको सब कुछ को रिसेंट से हटा देना है रिसेंट से हटाने के तो आपको सिंपली आपके पास जो एप्लीकेशन थे उसको ओपन कर लेना है जिम सिम्पली देख सकते थे आपको आपने गेम ट्रो में जो ऐड किया था वो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है आपको लेकिन स्टार्टिंग में गेम कंप्यूटर पर देखने को नहीं मिलेगा अब आपको करना क्या वॉल्यूम बटन होगा इसको सिंपली ऐसे दबाना है आपका जो डिवाइस है स्विच ऑफ होगा मतलब कुछ जिस टाइप से उसके आपने सिंपली वापस ऑन करना है यहाँ पे आपको जो है अभी गेम ट्रबो देखने को मिल जाएगा देख सकते कुछ जिस टाइप से गेम ट्रबो देखने को मिल जाएगा तो इसी टाइप से आपका जो गेम ट्रबो आपको देखने को मिलेगा आपको सिंपली जब आप जिसने आप... भी अपने एप्लीकेशन एनेबल कर रहा है आपको सिंपली उसको ओपन करना है बाद में पावर मैनेजमेंट को दबाना है सिंपली उसके बाद आप में वापस से फोन को ऑन करना है फिर आपको यहाँ पे गेम ड्रबा देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से अब गेम ड्रावर में आपको वॉइस चेंजर कुछ देखने को नहीं मिलेगा नॉर्मल से सेटिंग देखने को मिलेंगे देख सकते ये बूस्ट का फीचर यहाँ पे गेम ड्रबा फाइव एकदम लेटेस्ट यहाँ पे आप देख सकते फ्री ऑफ स्टोरेज यहाँ पे फ्री ऑफ स्टोरेज क्लीन मेमरी स्क्रीनशॉट यहाँ पे फ्लोटिंग विडोज का सपोर्ट और यहाँ पे सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी लेकिन ये सेटिंग वगैरह ऑन नहीं होगी मे बी क्योंकि हमने जो है एप्लीकेशन अनस्टॉल वगैरह कर दिया तो यही थी यार आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही रेडमी नाइन ए नाइन आई रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना तो चलो बिना गए वीडियो को खत्म कर लेते हैं बाय बाय